अशोकनगर जिले में युवा कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि बीते दिन सागर जिले की खुरई तहसील के ग्राम बरोदा नॉनगिर में एक अनुसूचित जाति के युवक नितिन अहिरवार को न्याय मांगने पर उसे दबंगों द्वारा इतना पीटा गया जिसके चलते गंभीर रूप से घायल होने पर दलित युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, अपने बेटे को बचाने आई उसकी मां को भी निर्वस्त्र कर पीटा गया जिससे उसकी मां का हाथ टूट गया। उसी के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का पुतला दहन किया गया। देखिए रिपोर्ट। 24 अगस्त को विधानसभा के नोनागिर के बारोद गांव में नितिन अहिरवार नामक एक दलित युवक की जिस प्रकार से हत्या कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, वो निंदनीय है। उसके लिए हमने मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का पुतला दहन किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि 24 अगस्त को कुछ लड़कों ने एक दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ की, उसके विरोध में उसके भाई नितिन अहिरवार ने उसका विरोध किया, तो उस विरोध के चक्कर में उन्होंने पीट पीट कर उस दलित युवा की हत्या कर दी। जिस प्रकार से प्रदेश में दलित विरोधी है भाजपा सरकार, आए दिनों दलितों पर अत्याचार कर रही है। और जब उस लड़के को जो पीट रहे थे तब उनकी माताजी आई, तो इन्होंने उनकी माताजी को भी पीटा और उनका एक हाथ दाहिना हाथ तोड़ दिया। जिस प्रकार से आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, दलित और आदिवासियों पर आए दिनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री शोषण कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता उनकी जमीनें हड़पने का और उनको मार गिराने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। आज हमने भूपेंद्र सिंह जी का पुतला दहन इसी क्रम में किया।